गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये टेक्निकली चीज़ें हम कितने मल्टीपल विंडो में काम कर रहे हैं, मल्टीपल टैब में काम कर रहे हैं, ये देखना है, राइट। तो अभी मैं क्या किया, सुबह मैंने लिंक बनाया है, ये हमारा वो कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज है, राइट। यहाँ पर मैंने न्यू इवेंट में जाके लिंक बनाया, लिंक मिलता है आपको इवेंट पर, इवेंट पर जाके अभी इन्होंने बताया कि ये जो लिंक है इस लिंक पे कुछ चेंजेस करना था, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिंक की एडिट ऑप्शन पे जाके कुछ चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया था मैंने, ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को मैंने चेंज किया, और बहुत आसान है। आप जब मोबाइल पे यूज़ करेंगे, ये जो बटन है, इस बटन के पास एक थ्री डॉट बटन है, यहाँ पे एडिट, सेव, ट्रांसफ़र, कैंसिल सब कुछ है। स्टार्ट बटन के साथ पे जब आप मोबाइल पे जाओगे, इसमें ये थ्री डॉट दिखेगा नहीं, आपको ये साइड में एक जगह टैप करना पड़ेगा, पर उसके बाद दिखेगा। चलिए अभी हम देखते हैं, ये हमारा ओकनेट का मीटिंग रेडी है, राइट। और आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास ओकनेट में और क्या क्या फीचर है, राइट। इवेंट में जाके अब ये जो लिंक देख रहे हो ना, इस लिंक के ऊपर एक ऑप्शन और है, वो है आपका शेड्यूल ऑप्शन। शेड्यूल मतलब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे कंप्लीटेड मीटिंग है, ट्रांसफर्ड मीटिंग है, कैंसिल मीटिंग है, सेव्ड मीटिंग है। अब जब कंप्लीटेड मीटिंग पे जा रहे हो, आपका इससे पहले जितने भी मीटिंग आपने कंप्लीट किया वो सब दिखाएगा, राइट। अगर आप एनालिटिक्स में देखते हो तो भी आपको दिख जाएगा मीटिंग्स। तो इन मीटिंग्स की क्या बात है कि यहाँ पर आप व्यू करके देख सकते हो। मान लीजिए मैं ये मीटिंग का देखना चाहता हूँ, 9 तारीख का मीटिंग, तो यहाँ पर स्क्रीन कैप्चर एक हुआ है, रिकॉर्डिंग 2 रखा है। तो मैं देखूँगा इस रिकॉर्डिंग को क्या कर सकता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को अगर डाउनलोड करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, 2 रिकॉर्डिंग फाइल आपको दिख गया, इसमें जो चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो आपको मीटिंग पे जब रिकॉर्डिंग होता है उस रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। कंप्लीटेड में आएंगे और सिंपल शुरू से बताता हूँ एक बार। और आप आते हो डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आके डैशबोर्ड के साथ इवेंट, लाइब्रेरी, एनालिटिक्स, कॉन्टैक्ट, ये सारे ऑप्शन है। आप इवेंट में आइए, इवेंट में आके शेड्यूल में जाइए, ऊपर शेड्यूल लिखा हुआ, शेड्यूल में जाके कंप्लीटेड मीटिंग में रखिए। कंप्लीटेड मीटिंग पे जाके देखिए कि 9 तारीख का जो इवेंट है, 9 तारीख का, राइट। यहाँ पर 9 तारीख का जो भी मीटिंग है उस मीटिंग की व्यू ऑप्शन पे जाइए, 9 तारीख की जो मीटिंग की व्यू ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, ये जो बॉक्स है इसमें लिखा हुआ दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, आपका डाउनलोड फाइल दिख जाएगा। ये क्लियर, ओके। अभी हम चलते हैं उसके बाद लाइब्रेरी ऑप्शन। लाइब्रेरी ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, फाइल ही रखा हुआ है, राइट। और 2 फोल्डर रखा हुआ है इसमें। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर ठीक है, पिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फाइल है, ये फाइल चाहे आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो, राइट। ये फाइल प्रीव्यू कर सकते हो, लेकिन हमने ये फाइल यहाँ पर लाया कैसे। सबसे पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, सिंपल आए डिलीट। दूसरी फाइल यहाँ पर डिलीट, तीसरी फाइल यहाँ पर डिलीट, चौथी फाइल यहाँ पर डिलीट, पांचवा फोल्डर यहाँ पे डिलीट। आपको नया फाइल दिखाएंगे ना, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लाइब्रेरी, इसमें फाइल कैसे लाया जाता है, अब यहाँ पर देखिए अपलोड है। अगर आप सिंपल अपलोड में पहली बार जाएंगे तो आपको फाइल ब्राउज करने के लिए बोलेगा। अभी मैंने एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है।
अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा यहाँ पर फाइल शो हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर फाइल शो हो चुका है, इस फाइल को मैं देख सकता हूँ, राइट। और इस फाइल को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा इसी सिस्टम पर। दूसरा फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली फाइल में मैं अपलोड कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह से यहाँ पर फाइल अपलोड होता है। अब मैं 4-5 फाइल को अपलोड करके इस सभी फाइल को एक फोल्डर में ले जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, मैंने दिया ऑल मेंबर्स, क्रिएट किया, ये एक फोल्डर क्रिएट हुआ। सिंपल न्यू फोल्डर पे जाएंगे, ये फोल्डर क्रिएट होगा, राइट। तो ये वाला जो फोल्डर फाइल है ये इसमें जाएगा नहीं, अंदर जाएगा कैसे? इस फोल्डर को क्लिक कीजिए, फोल्डर ओपन हुआ। अब आप अपलोड कीजिए, एक 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 करके ही होगा यहाँ पर फाइल, 2-3 नहीं होगा। तो फोल्डर के अंदर मैंने वो फाइलें रखना है और मैं चाहता हूँ कि फोल्डर के अंदर ही रहे, ठीक है। जो भी फाइल है मैं फटाफट इस दोनों फाइल को डाल देता हूँ, और भी फाइल देते देता हूँ, सब आ जाएगा इसमें। 3, 4, 5, 6, अभी देखिए यहाँ पर मेरा 6 फाइल आ चुका है, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक फाइल और आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ एक बार, यहाँ पर 6 फाइलें आ जाएंगे, 5, 6 आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो 2 फाइलें इनको मैंने डिलीट कर देना है, सिंपल डिलीट। एक फाइल और रहता है, इसको भी मैंने डिलीट कर देना है। तो मेरा फाइल क्या है, इसके अंदर रह गया, ठीक है, इसके अंदर रह गया। प्रीव्यू करके देख सकता हूँ मैं, एक फाइल ये आ गया, दूसरा फाइल ये आ गया, तीसरा फाइल ये आ गया, तीसरा फाइल, चौथा फाइल ये आ गया, पांचवा फाइल ये आ गया, ठीक है। तो फाइल किसी का नहीं आया, वो फाइल मैं उठा लेता हूँ, इनका फाइल नहीं आया था। यू कैन अपलोड 50 MB मैक्सिमम। ओ वाओ, यहाँ पर एक चीज़ें पता लग गया आज, यहाँ पर मैक्सिमम आप 50 MB फाइल ही रख सकते हो। तो मैंने एक फाइल डबल हो गया था, उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। 4 हो गया, एक मुझे, 1, 2, 3, 4, 5 मुझे 5 फाइल ऊपर करना है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल आ जाए, राइट। ये फाइल अपलोड हुआ है, अब देखना है मुझे कौन सा फाइल अपलोड हुआ है। ये काम बहुत आसान है, आप थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ये बहुत मुश्किल की बात नहीं। मैंने इकोसिस्टम पे जाकर दोबारा मैंने इस पर काम किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे, राइट। अभी हम लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में इस फाइल के अंदर थे, सही। तो लाइब्रेरी भी देखा हमने, आज फाइल भी देखा। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ देखना है। अगर आपको ये सब प्रोसेस डिटेल में सीखना है, सीखना इसलिए कि ये आपको बहुत ज़रूरत है। तो मैं डेली 9 बजे का मीटिंग करता हूँ, आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहता है, और सारी चीज़ें मैं मीटिंग में ही दिखाता रहता हूँ, राइट। तो आप लोगों को अगर टेक्निकली चीज़ें सीखना है, मैं रजत सुब्रशन हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ, ओनली फॉर ओनली लर्निंग मेथड में हम बात करेंगे।
एनी टाइप ऑफ, आप यहाँ पर कैनवा से कोई बात करेंगे, कैनवा सीखेंगे, वो भी हम देखेंगे। कैनवा पे जितना आप पोस्टर बनाना है, जितना आप यूट्यूब थंबनेल बनाना है, जितना फेसबुक की पोस्ट बनाना है, फेसबुक का बैनर बनाना है, प्रोफाइल फ़ोटो बनाना है, एवरीथिंग आपको हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना पड़ेगा। मैं बहुत सारा वीडियोस अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ आपको मीटिंग पर भी आना है, जो डेली 9 बजे हमारा मीटिंग सेशन चलते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये चीज़ करना चाहेंगे और हमारे साथ आके ये वैल्यूएबल चीज़ें सीखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच।